नमस्कार दोस्तों, आपका जेएलसी टॉप 50 आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यदि आप जेएलसी टॉप 50 के इस इंस्टीट्यूट जो है इसके ऑनलाइन बैचेस में आप अपियर होना चाहते हैं तो आप जैसा स्क्रीन पर लोगो दिख रहा है जेएलसी आईएएस एमपीपीसी, इस लोगो का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की ये विशेषता है कि यहाँ एमपीपीसी मेंस के लिए और अदर कोर्सेज के लिए जो बैचेस हैं वो अलग अलग मीडियम में, जैसे हिंदी मीडियम की अलग बैचेस और इंग्लिश मीडियम की अलग सेपरेट बैचेस आपको मिलेगी। यहाँ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट बैचेस में अपियर हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन मोड में भी अगर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंदौर जाकर भंवर कुआं पर इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। आज जो है हम एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर 3 है उसकी यूनिट 5 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम 2 लेक्चर इसके देख चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आज क्या सीखेंगे कि लाभ और हानि से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन होना चाहिए और कैसे हम उनको लिखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए साथ ही पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि इस यूनिट 5 का सिलेबस क्या है। तो संख्या एवं प्रकार, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड, समीकरण एवं गुणनखंड, ये टॉपिक भी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा टॉपिक हम उठाएंगे वो क्या है, लाभ हानि वाला क्वेश्चन हम उठाएंगे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम लाभ एंड हानि वाला जो टॉपिक देखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज हमारे सामने आ जाती है कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्या होता है क्रय मूल्य? वह कीमत या वह प्राइस, है ना, क्रय मूल्य किसको कहते हैं, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस प्राइस पर, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई पेन खरीदा है, वो 5 रुपए में खरीदा है, तो ये क्या हो गई, उसका क्रय मूल्य हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जिस मूल्य पर उस वस्तु को बेचा जाता है। मान लो मैंने कोई पेन 5 रुपए में खरीदा किसी से और उसी पेन को आगे किसी दूसरे को 10 रुपए में बेच दिया, तो मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपए और जो विक्रय मूल्य है वो 10 रुपए में बेचा तो 10 रुपए क्या हो जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य। इसका मतलब वह कि वह मूल्य जिस पर, वह मूल्य वह मूल्य या वह कीमत जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, बेचा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। हम फिर आगे बढ़ेंगे कि लाभ कब होता है, किस कंडीशन में लाभ होता है और किस कंडीशन में हानि होती है, वो चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम ये क्लियर कर लेते हैं, जब भी कोई व्यापार होता है उस व्यापार में 2 कंडीशन हो सकती है, तीसरी भी कंडीशन हो सकती है कि 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि जिस मूल्य पे उस वस्तु को खरीदा उससे उसको ज्यादा में बेचा। पहली कंडीशन क्या है कि उसने 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 10 में बेच दी, इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में उसको क्या हुआ, प्लस हुआ, कितना, 5 रुपए का प्लस, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास कि कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी और उसको 4 रुपए में बेच दी, कितने में बेच दी, 4 रुपए में, मतलब कि क्या, यहाँ -1 रुपए का क्या हुआ, हमको घाटा हुआ, लॉस हुआ, या फिर क्या हो गई, हानि हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 5 में ही मैंने उसको बेच दी, तो यहाँ पर न तो प्रॉफिट हुआ और न लॉस हुआ, मतलब न लाभ हुआ और न हानि हुई। इस ये तीसरी कंडीशन हम ज्यादा स्टडी करते नहीं है, पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस केस में भी लॉस होता है। अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो इसमें लॉस होता है। क्यों होता है हानि इसमें, क्योंकि किसी वस्तु को लाने में उसका भाड़ा या किराया भी लगेगा, उसको अगर हम अपना समय देकर उस वस्तु को ला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो अपनी मेहनत जो होती है वो भी जाता है, तो कुल मिला के यहाँ पे हानि ही होती है। लेकिन हम इस कंडीशन को क्वेश्चन में नहीं देखते, हम किसको देखते हैं, पहली और दूसरी कंडीशन को मैक्सिमम यही स्टडी हम करते हैं। तो कब लाभ होता है और कब हानि होता है, तो लाभ उस कंडीशन में होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो। इसका मतलब क्या कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा
किसके कंपैरिजन में, क्रेमल के कंपैरिजन में, तो हमको क्या होगा लाभ? वही बात कि मैंने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और उसको मैं 10 रुपए में बेचता हूँ, तो कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर? प्लस 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है या 5 रुपए का लाभ हुआ। लाभ किस कंडीशन में होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ या विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इस कंडीशन में क्या होता है? लाभ होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हानि कब होती है। हानि उस कंडीशन में होगी कि मैंने वस्तु को ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? हानि हो जाएगी। मान लिया मैंने कोई वस्तु को 10 रुपए में खरीदा और उसको किसी कारणवश मुझे 8 रुपए में ही बेचना पड़ा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मुझे 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो यही हानि होगी। इसका मतलब ये कि जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, क्या बड़ा हो जाता है? क्रय मूल्य किसके कंपैरिजन में? विक्रय मूल्य के कंपैरिजन में, तब हमको क्या होती है? हानि। दो कंडीशन याद रखना, जब विक्रय मूल्य बड़ा है किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और यदि क्रय मूल्य बड़ा है किसके कंपैरिजन में? विक्रय मूल्य से बड़ा है क्रय मूल्य, मतलब क्या हो जाएगी? हानि। दोनों कंडीशन क्लियर होना चाहिए दिमाग में। चलो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र उसको हम देख लेते हैं कि लाभ जब होता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से हम क्या माइनस करते हैं? क्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस कर देते तो हमें लाभ आ जाता है। किस कंडीशन में? लाभ की कंडीशन या लाभ की स्थिति में। जब हानि की स्थिति जनरेट होती, हानि की स्थिति बनती, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि क्योंकि हानि के केस में क्या होता है कि क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो हानि के केस में हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? हानि निकल के आ जाती है। वही क्वेश्चन बनते हैं कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के लिए, दोनों के लिए एक ही कॉमन फॉर्मूला है। क्या याद रखना है? नीचे हमको लिखना है विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, यहाँ पे इंटू करना है 100 का मल्टीप्लाई करना है। और अगर लाभ का केस है, दोनों केस में ऐसे ही करेंगे हम, नीचे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस हमको मिल जाएगी। जब लाभ की कंडीशन में आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है? सबसे पहले हमको लिखना है क्रय मूल्य, इंटू करना है 100 का। इस केस में भी क्या करना है हमको? क्रय मूल्य इंटू हमको क्या करना है? 100 का गुणा। मतलब लाभ और हानि प्रतिशत दोनों हम किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्वेश्चन में जब तक कि ये ना बोला जाए कि विक्रय मूल्य पे लाभ निकालो या दिया है, तब तक अगर नहीं दिया है तो हम उसको किस पे मानेंगे? क्रय मूल्य पे ही मानेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य अगर लाभ हुआ है तो जितना भी लाभ हुआ हम यहाँ लिख देते हैं, और हानि प्रतिशत निकालना तो जितनी भी हानि होती है वो यहाँ हम लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया किसका? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 किसका बन गया है? लाभ प्रतिशत का। और हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 ये किसका बन गया? हमारा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बन गया। तो इसको नोट कर लेंगे अच्छे से अपनी कॉपी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि राम एक साइकिल को 1600 रुपए में खरीद कर 2000 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना। तो हमको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मेट पूरा आप देखते जाएंगे। यदि इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में से वो निकालना है कि उसने क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहली स्टेप क्या होगी यहाँ पे, जैसे सॉल्यूशन या हल डाल के यहाँ पे हम चलेंगे आगे हल। सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि दिया है, क्या क्या दिया है वो लिखेंगे हम। क्या क्या दिया है? पहली चीज दी उसने साइकिल का क्रय मूल्य दिया है। कितना दिया है क्रय मूल्य? 1600 रुपए, ये मैंने लिख दिया। फिर उसने बेचना, मतलब कितने में बेचा, उसने विक्रय मूल्य दिया है। किसका विक्रय मूल्य दिया है? साइकिल का विक्रय मूल्य दिया है 2000 रुपए। अब इस कंडीशन में हमको देखना है कि उसको लाभ हुआ कि हानि। तो यहाँ ऐसे नोट डाल के लिखना ही है ऐसे, चूंकि जिसको हम बोलते हैं चूंकि या सिंस, विक्रय मूल्य ज्यादा है। यहाँ पे क्या स्थिति है? क्रय मूल्य बढ़ा है कि विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य बढ़ा है। तो विक्रय मूल्य जब बढ़ा होता है तो क्या आता है? हमको लाभ होता है। तो यहाँ पहले हमको लाइन लिखना है क्या कि विक्रय मूल्य कॉमा क्रय मूल्य से बढ़ा है से ज्यादा है या बड़ा है, बड़ा है या ज्यादा है, तो क्या होता है? तो लाभ होता है।
क्या होता है इस कंडीशन में, लाभ होता है। अब लाभ कितना हुआ वो कैसे निकालेंगे, इसलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या था हमारा लाभ का फॉर्मूला, क्या सूत्र क्या था, विक्रय मूल्य में से हम क्या माइनस कर देते हैं क्रय मूल्य को। चलो विक्रय मूल्य लिख देते, कितना है विक्रय मूल्य यहाँ पर 2000 रुपए, उसमें से क्या माइनस करना है हमको क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1600 रुपए। तो यहाँ पे जो लाभ है वो लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2000 में से 1600 जाएंगे तो 400 रुपए मेरे पास क्या बच जाएगा, तो लाभ बच जाएगा। अब ये भी लिखना है कि पूछा क्या है या फिर और क्या उसने क्या निकालना क्या है हमको, वो भी यहाँ पे हमको लिख देंगे दिया है कि नीचे के लाभ प्रतिशत इक्वल्स टू क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये भी पता चल जाएगा। तो हमारा टारगेट या जो एम है वो डिसाइड हो जाएगा, तो उसके लिए हम काम करने लग जाएंगे कि हमको लाभ प्रतिशत निकाल। तो पहले हमने लाभ निकाल लिया, यहाँ तक नोट करें सबसे ज्यादा सबसे पहले, उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उसको नोट करें, या आप वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो इसको हम आगे देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करें इसको। क्या गिवन था, कहाँ तक पहुंच गए थे कि जो हमारे पास लाभ है, लाभ कितना हो गया था, लाभ आ गया था हमारे पास 400 रुपए का। अब हमको निकालना क्या था, लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला, ये लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये किसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। तो इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना लाभ था एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पे लाभ कितना है मेरे पास, मान रखने पर लाभ है 400 रुपए, क्रय मूल्य कितना था मेरे पास 1600 रुपए, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा 100 का। अब 20 से 20 ऑलरेडी कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या ऊपर 400 और नीचे बचा 16, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 16, मतलब ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 4, इसको फिर काटेंगे 4 एकम 4 और 25 6 100। तो फाइनली जो बचा हमारे पास लाभ प्रतिशत, वो कितना प्रतिशत बचा 25%, कितना 25%। तो नीचे हमको एक लाइन और डाल के लिखना है, तो राम क्या लिखना है, राम का लाभ प्रतिशत, जो लाभ है राम को 25% लाभ होगा, क्या लिखेंगे राम को 25%, ये यानी लिखेंगे लाभ होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा होता है, कंप्लीट होता है, और इसमें आपको मैक्सिमम नंबर दिए जाते हैं, इसमें नंबर काटने की गुंजाइश बहुत कम बच जाती है। इसको फिर आप नोट करेंगे अच्छे से, फिर हम अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करेंगे अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप एमपीपीएससी की अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो आप जीएलसी टॉप 50 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ पर प्ले स्टोर पर, आप इसमें ऑनलाइन अपीयर हो सकते हैं यदि आप ऑनलाइन किसी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको क्या मिलेगी, अलग अलग सेपरेट बैचेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इंदौर जाकर जीएलसी टॉप 50 की इंस्टीट्यूट है, उसमें जाके आप ऑफलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रंजना ने एक लैपटॉप 10,000 में खरीद कर 8,000 रुपए में बेच दिया, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, एक लैपटॉप था, उसने कितने में खरीदा उसको 10,000 में, और वापस उसको बेच दिया कुछ समय चलाने के बाद 8,000 में, या चलाया या फिर उसने एक व्यापार किया होगा कि 10,000 में लिया और यहाँ मार्केट नहीं मिला तो उसको 8,000 में बेचना पड़ा, वो कुछ भी कारण रहा होगा। पर यहाँ क्या है, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य जो है वो बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, विक्रय मूल्य के कंपैरिजन में, तो सीधी सी कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, हानि होगी।
तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। तो वही क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा कि सबसे पहले हमको कैसे शुरू करना है, यहाँ लिखना है हल। कैसे हल शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं हम, दिया है। इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। दिया है, क्या दिया है, पहली चीज लैपटॉप का क्या दिया है, क्रय मूल्य। लैपटॉप को क्या दिया है, क्रय मूल्य। कितना दिया है लैपटॉप का क्रय मूल्य, ₹10,000। कितना दिया है, ₹10,000 में उसने उसको खरीदा। और उसका विक्रय मूल्य कितना दिया है वो भी यहाँ पे हमको लिखना है कि विक्रय मूल्य उसने दिया है, जिस प्राइस में हम बेचते हो क्या कहलाता है उसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हो गया है ₹8,000। अब यहां से हमको देखना है कि क्या है, कौन सा क्रय मूल्य बढ़ा है कि विक्रय मूल्य। तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य बढ़ा है और विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे छोटा है, तो क्या होगा, या फिर एक लाइन लिखना है, चूंकि क्रय मूल्य ज्यादा है या बड़ा है अतः हानि होगी। क्या होगा इस केस में, हानि होगी। इसलिए हानि कैसे निकालेंगे, इसलिए हानि किसके बराबर होती, वही फॉर्मूला हमने निकाला कि जो क्रय मूल्य है, क्या है क्रय मूल्य, उसमें से हम क्या माइनस कर लेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। चल दोनों की वैल्यू रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो क्रय मूल्य कितना था मेरे पास, 10,000, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, विक्रय मूल्य 8,000। तो हानि कितनी निकल के आ जाती है यहाँ हमारे पास, हानि आ जाएगी 10 में से 8 जाएंगे तो ₹2,000 के आ जाती है यहाँ पे हानि, ₹2,000 आ जाती है मेरे पास हानि। ठीक है, अब यहां तक आपको नोट करना है, फिर आगे मैं चलता हूँ। आपको वीडियो यही पॉज करके इसको यहाँ तक नोट कर लेना है, इसके आगे का मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, या फिर इस लाइन के इस साइड कर लेता हूँ, आपको इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, चल हानि हमारे पास निकल कर आ जाती है ₹2,000, क्रय मूल्य हमको पता है, विक्रय मूल्य हमको पता है, हानि भी आ गया। अब निकालना क्या, उसने पूछा कि हानि या लाभ प्रतिशत, तो हुआ क्या यहाँ पे, हानि हुई, तो हानि हुई तो हम हानि प्रतिशत निकालते हैं। हमको पता है कि क्या पता है, क्योंकि हानि प्रतिशत बराबर, हानि का फॉर्मूला हमको पता है कि हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कि हानि प्रतिशत बराबर हानि को लिखते हैं हम ऊपर, उसके अपॉन में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत अपॉन में क्रय मूल्य इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास हानि प्रतिशत आ जाएगा। चलो इसकी वैल्यू लिख देते हैं, हानि कितनी थी हमारे पास, ₹2,000, हम इसको यहाँ लिख देंगे। अपॉन क्रय मूल्य कितना था मेरे पास, क्रय मूल्य जो था ₹10,000, ₹10,000 हम कहाँ लिख देंगे, नीचे। और इसमें किसका गुणा कर देंगे, 100 का। चल 20 से यहाँ पर 20 कैंसिल हो गई, ऊपर बचा मेरे पास 2000, नीचे बचा मेरे पास 100। 20 से 20 फिर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 20%। कितना बचेगा, 20%। तो लाभ कितना हुआ यहाँ पर, 20%, सॉरी हानि कितनी हुई यहाँ पर, 20% की हानि हो गई। किसको, इस लैपटॉप को बेचने पर रंजना को 20% की हानि हो जाती है। तो लास्ट में हमको लिखना भी है कि इस पूरे सौदे में या इस ट्रेड में रंजना को 20% की हानि होती है। क्या होता है, 20% की हानि होती है। इस तरह से हमको मेंस एग्जाम में पूरा क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मेट में लिखना है, जैसे हम 9th-10th क्लास में करते थे, जिससे हमारे मार्क्स जो है वो मैक्सिमम हमको मिलेंगे, यहाँ काटने की संभावनाएं गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। इसलिए आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को व्यवस्थित तरीके से नोट करेंगे, और जो हम फॉर्मूला लिखते हैं यदि आप उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, या इसको इसमें स्क्वायर फॉर्मेट में डाल देते हैं या रेक्टेंगुलर शेप में डाल देते हैं, तो ये हमारे मार्क्स को बढ़ा देता है। इसको हाईलाइट कर देना है कुल मिला के। फिर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास,
कि तनीषा एक घड़ी को 64 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाती है, तो उसे 100 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया क्या, कि एक घड़ी को 64 रुपए में बेचा जाता है, कितने रुपए में बेचा जाता है, 64। बेचा जाता है मतलब क्या, उसकी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, और कितने प्रतिशत की हानि होती है, 20% की उसके ऊपर हानि उठाते हैं, तो उसे 100 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले उसी फॉर्मेट, क्वेश्चन देख के घबराने नहीं कभी भी एग्जाम में। यदि आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़कर ये बाहर निकाल लेंगे कि उसने दिया क्या है और वो पूछना क्या चाहता है, तो जो स्टेप्स आपको उठाने अपने आप आपके सामने आ जाते हैं। चलो सबसे पहले हम उठाते हैं कि उसने दिया क्या है, तो यहाँ ऐसे ही डालेंगे हल या सॉल्यूशन, क्या दिया है उसने, सबसे पहले लिखेंगे दिया है या गिवन, क्या दिया है, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना दिया है उसने, 64 रुपए, 64 रुपए, 64 रुपए में वो बेच के कितने प्रतिशत की हानि उठाती, 20% की, तो यहाँ हानि देख लेंगे, हानि कितनी हो गई इसकी, 20%। अब मैंने एक पॉइंट आपको नोट करवाया था, हानि लाभ जितने भी प्रतिशत होते हैं हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे या उसके खरीदी गई मूल्य पे निकालते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं जाए कि उसके विक्रय मूल्य पे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हानि कितना प्रतिशत है, 20%, तो ये किस पे है, क्रय मूल्य पे, तो उस क्रय मूल्य पे 20% की हानि उठाने के बाद उसको क्या, कितने में बेचा उसको, 64 रुपए में। चल हम देखते हैं, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100%। जब 100% क्रय मूल्य है, उसमें से मैं 20% की हानि घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना है, और फिर इसने पूछा क्या है वो भी देख लेना है, कि क्या पूछना चाहता है, कि उसे 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, वो भी हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं हम क्या जानते हैं, हम क्योंकि विक्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर होता है, जब मैं क्रय मूल्य में से क्या कर देता हूँ, हानि को हटा देता हूँ, क्या हटा देता हूँ, हानि को हटा देता हूँ, या फिर हमने ऐसा पढ़ा है कि हानि किसके बराबर होती है, क्रय मूल्य माइनस हम जब विक्रय मूल्य लिखते हैं तो ये क्या बन जाती है, हानि। अब मैं, मेरे पास विक्रय मूल्य गिवन है, हानि नहीं है, तो इस विक्रय मूल्य को उठा के मैं इस साइड ले आता हूँ, तो विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, ये क्रय मूल्य एज इट इज यहाँ पर है, क्रय मूल्य इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, इस हानि को उठाकर इधर क्या कर दूंगा, माइनस कर देता हूँ, तो ये विक्रय मूल्य गिवन है, और क्रय मूल्य मुझे पता है जो प्रतिशत में, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, और हानि कितने इसने दी है, कितने, 20%, तो ये 20% इसमें घटा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, जो भी आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास, 64, ये रुपए में है, ठीक है, 64 क्या है यहाँ पे, रुपीज में है, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, ये प्रतिशत लगा के चलना है हमको, और हानि कितनी है, 20%। चल तो ये जो 64 है या 64 रुपीज है, किसके बराबर है, 100% में से 20 माइनस होंगे, तो 80% के बराबर क्या है हमारे पास यहाँ पर, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 80%, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जब 80% के बराबर क्या आ गया है मेरे पास, 80% बराबर आ गया है 64 रुपए, और ये क्या हो गया मेरे पास, विक्रय मूल्य है, तो 1% क्या बताएगा, ये जरूर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है हमको, 80% शो करता है 84, तो 1% क्या शो करेगा, 84, 64 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, 80, तो क्रय मूल्य कितना था, 100%, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100% होगा 64/80, ये 1% था, इसमें 100 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100% आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 64,
तो ऊपर कितना बचा मेरे पास, 8 और 10 में गुणा, तो 8 × 10, तो यहाँ पर मेरे पास बचा है 80। तो सिंपल सी बात, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 80 रुपए के बराबर। 80 रुपए मतलब मेरा विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य कितना है मेरे पास, जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 80 रुपए। कितना है क्रय मूल्य, 80 रुपए। अब मेरे पास क्रय मूल्य भी आ गया है, विक्रय मूल्य भी आ गया है। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि उसे 100 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जब मेरे पास क्रय मूल्य आ गया कि 80 रुपए क्रय मूल्य था, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब उसे 100 रुपए में बेचा जाता, अगर बेचते हैं नया जो विक्रय मूल्य होगा उसका क्या हो जाएगा, कि वो 100 रुपए में उसको बेच रहा है। पहले वीडियो को आप पॉज करके यहां तक क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि क्या निकल के आ गया था हमारे पास, कि जो क्रय मूल्य तो हमारे पास पहले आ गया था, कि क्रय मूल्य कितना निकाला था हमने, 80 रुपए। अब उसने पूछा है कि क्वेश्चन ने दिया है कि नया विक्रय मूल्य कितना है, यदि हम उसको कितने पे बेचे। नया विक्रय मूल्य दिया उसने 100 रुपए। अब 100 रुपए दिया मतलब कि डेफिनेटली उसको क्या होगा, फायदा ही होगा, लाभ ही होगा, क्योंकि 80 रुपए क्रय मूल्य है और नया विक्रय मूल्य 100 रुपए, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 20 रुपए। अब 20 रुपए प्लस हो रहा है, तो उसका लाभ कैसे निकालेंगे, कि लाभ बराबर क्या करते हैं हम हर बार, विक्रय मूल्य में से क्या घटा देते हैं, क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को घटा दे। विक्रय मूल्य कितना है नया वाला मेरे पास, 100 रुपए, उसमें से नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 घटा दिया तो बचा मेरे पास कितना, 20 रुपए का मेरे पास क्या हो जाएगा, लाभ हो गया, 20 रुपए का लाभ हो गया। अब इसको प्रतिशत में, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत इसी वस्तु क्या होता है, हम ऊपर क्या लिखते हैं, लाभ अकाउंट में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य गुणित क्या करते हैं, 100। इसमें वैल्यू रख देंगे, लाभ कितना है हमारे पास, 20 रुपए, क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए, इसमें किसका गुणा कर देंगे हम, 100 का गुणा कर देंगे, 10 से 10 कैंसल, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 8। अब ऊपर कितना बचा है मेरे पास, यहाँ पर 100 रुपए बचा, और नीचे कितना बचा है, 1 बचा, इसको और में काटता हूँ, तो 4 × 1 = 4 और 25 × 100, इसका मतलब लाभ कितने प्रतिशत हो गया, यहाँ पर 25% उसको लाभ हो जाता है। कितने प्रतिशत लाभ हो जाता है, 25% लाभ हो जाता है। तो हमको यहाँ क्या लिखना है, कि इस पूरे व्यापार में तनिषा को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ होगा। क्लियर है, पूरा आपको एज इट इज फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखना है, इसका इसको नोट करेंगे पहले, एक बार और शॉर्ट रिवाइज में इसका करवा देता हूं, तो आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है, इसको नोट करना है अच्छे से। चलो यहां देखते हैं, हम सबसे पहले हमने क्या किया है, छोटा सा देख लेते हैं और भी। उसने दिया था कि 64 रुपए में जो बेचा था, मतलब कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी दी थी उसने, 64 रुपए। अब वो बोल रहा है कि उस पर 20% की हानि होती है, तो हानि जब हम क्रय मूल्य में से घटा देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, तो क्रय मूल्य अपने आप में था 100%, उसमें से हमने 20% हानि को माइनस किया था, तो क्या आ गया था हमारे पास, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 64। यहाँ से हमने 80% के बराबर क्या निकला था, 64 निकला था, तो 1% के बराबर कितना निकला था, 64/80, तो 100% मतलब क्रय मूल्य क्या आ गया था हमारे पास, 64/80 किसका गुणा कर दिया था हमने, 100 का। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया था 80 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया था, 80 रुपए। जब 80 रुपए क्रय मूल्य है और क्वेश्चन ने हमको बोला था कि फिर से यदि उसे 100 रुपए में बेचते तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, जब 80 रुपए में हम कोई चीज खरीदते हैं और उसको यदि हम 100 रुपए में बेचते हैं तो कितने रुपए का लाभ होगा, 20 रुपए का लाभ होगा। तो उस 20 रुपए लाभ से हम लाभ प्रतिशत हमने निकाला, कैसे निकाला, यहाँ पे देखिए कि लाभ जो होता है वो ऊपर लिख देते हैं, नीचे हम लिख देते हैं क्या, क्रय मूल्य लिख दिया हमने 80 रुपए, उसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो लाभ प्रतिशत आ जाता है। जब इसको सॉल्व किया हमने तो 25% का हमको क्या हो जाएगा,
लाभ हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको नोट करना, समझना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2017 में पीएससी में, कि एक व्यक्ति को अपनी साइकिल 1140 में बेचने पर, क्या पूछा था उसने, कि एक व्यक्ति को अपनी साइकिल 1140 रुपए में बेचने पर 5% का घाटा होता है, तो साइकिल को कितने में बेचने पर उसे 5% का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है, इसमें कोई अलग नई चीज नहीं है, सेम कंसेप्ट पर हमें काम करना है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसको आपको देखना है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ट्राई करना है कि इस वीडियो को यहीं पॉज करके अपने से इसको सॉल्व करने के लिए प्रयास करना है, ट्राई करना है। चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या हल क्या करते हैं, क्या क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं। क्या दिया है इसने, कितने पर बेचता है, मतलब कि विक्रय मूल्य, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना दिया है इसने, 1140 रुपए। हानि कितनी होती है इसको, इस पे हानि हो जाती है, हानि प्रतिशत में दिया है इसने, कितना 5% हानि होती है इस पे, मतलब कि इस विक्रय मूल्य में मैं हानि को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्रय मूल्य आ जाएगा, सिंपल सी बात। और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा अपने आप में। तो फिर उसी फॉर्मेट से हम क्वेश्चन को करेंगे कि जब हमको पता है कि हानि के केस में हम विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, जब मैं क्रय मूल्य में से क्या घटा दूंगा, हानि को घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। इसको स्टैंडर्ड में, अब विक्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, पता है उसने गिवन है क्वेश्चन में कि 1140 रुपए क्या है, इसका विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमको निकालना है, पर प्रतिशत में दिया तो 100% अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। उसमें से मैंने क्या घटा दी, 5% की हानि घटा दी, इसका मतलब कितना बचा, ये 95% बचा, किसके बराबर, 1140 के बराबर बचा, क्या 95%। जब 95% शो कर रहा है किसको, ये गणित आपको सीखना है, दिख दे रहा हूँ, 95% इसको शो करता है 1140 रुपए को, तो 1% किसको शो करेगा, 1140 के बटे में क्या आ जाएगा, 95। अगर कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे हम, 19,595 और 19,114 और 0, इसका मतलब 1% क्या शो करेगा हमारे पास, 60/5, या इसको और सोल्व करेंगे तो 5 × 5 = 12.7, 1% किसको शो करता है यहाँ पर, 12, तो 100% क्या बताएगा, 100% जिसको हम क्रय मूल्य ऑर्डर क्या बताएगा, 1200 कर देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1200 रुपये, कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। दो चीज़ हमारे सामने आ गई, क्रय मूल्य मेरे पास 1200 रुपये आ गया है। अब वो पूछ रहा है कि साइकिल को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ होगा, तो 5% का लाभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 100% तो अपने आप में क्या है, क्रय मूल्य है, अब मेरे को 5% लाभ भी चाहिए, मतलब कि इसको कितना होना पड़ेगा, 5% और प्लस करना पड़ेगा। तो दो तरीके यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि इस क्रय मूल्य का 5% निकाल के इसमें प्लस कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, 100% अपने आप में इसका मैं 105% निकाल लूं, दोनों चीजें मेरे लिए आसान है, लेकिन हम थोड़ा इजी प्रोसेस से समझेंगे। तो पहले 1200 को मैं क्या कर दूंगा, इसका 5% निकाल लेंगे। तो इसके पहले आप इस ये वाली जो साइड है इसको आप अच्छे से नोट कर लें, इस वाली को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करें, यहाँ हमारे पास क्या आ गया है कि जो क्रय मूल्य है कितना आ गया है, क्रय मूल्य 1200 रुपये। तो वो पूछ रहा है कि साइकिल को कितने में बेचने पर उसे 5% का लाभ होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, 5% लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ उसने कितना दिया है हमें, 5% का लाभ, तो कैसे निकालेंगे लाभ, किसका निकालना है, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कितना था मेरे पास, 1200 रुपये, इसका मुझे कितना निकालना है, 5%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 12 5 60 रुपये, तो लाभ कितने रुपए का हो गया उसको, 60 रुपए का।
तो फाइनल कितने में बेचना पड़ेगा उसको 60 रुपये लाभ कमाने के लिए? तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो नया विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? क्रय मूल्य में मैं क्या जोड़ दूंगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ में कर दूंगा। तो क्रय मूल्य कितना है मेरे पास? 1200 रुपए प्लस प्लस 5% पांच लाभ, प्रतिशत मतलब मतलब कि कि 60 रुपए। तो साठ उससे उससे नई नई प्राइस प्राइस क्या क्या हो हो जाएगी जाएगी मेरे मेरे पास? पास? 1260 रुपए। 1260 रुपए। तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नीचे लाइन करके लिखना पड़ेगा। टाटा साइकिल को 1260 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होगा। एग्जामिनर इसको चेक करेगा और सीधा नंबर देके आपको आगे बढ़ जाएगा। तो इजी टू चेक होना चाहिए हमारी कॉपी का। चेक करने में इजी होना चाहिए, सारी चीजें स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए कि क्या हमने स्टेप उठाई है जिससे हमारे मैक्सिमम मार्क्स आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है। पहला क्वेश्चन है कि सुनीता एक टीवी को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाती है। क्या है? 3000 रुपये में वो क्या करती है? एक टीवी को बेचती है और 25% की हानि उठाती है। तो टीवी का क्रय मूल्य निकालना है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि दीपक एक वस्तु 800 रुपये में बेचने पर 20% का घाटा उठाता है। ठीक है, तो वस्तु को कितने में बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ? तो दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में इसको सॉल्व करना है अच्छे से। और नहीं होता है, अगर कोई कुछ डाउट आता है तो आपको फिर से पूछना ही है। ठीक है, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि यदि आप जीएलसी टॉप 50 इंस्टीट्यूट में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंदौर भोहर को अगर जाए और जरूर यहाँ पर आकर एडमिशन ले। और यदि आप ऑनलाइन अपियर होना चाहते हैं तो GNCIS टॉप 50 का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड करें और उसकी ऑनलाइन बैचेस में जरूर अपियर हो। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए आपको सेपरेट बैचेस मिलेंगे। सो थैंक यू।